हिप प्रोसेस की एक्सरसाइज है। इसमें आप कोशिश करेंगे आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसको सुलाने की, स्लीप में लाने की। फोकस करें मेरे ऊपर, मेरे ऊपर फोकस करें। हम कोशिश करेंगे जो आपके जो कॉन्शियस माइंड है जो आपको न्यू इमेजिनेटरी पावर से रोकती है उसको सुलाने की, एंड आपके सब कॉन्शियस माइंड कहीं जाके बात करने की कोशिश करें। मीन्स थोड़े ही देर में, इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, मैं आपको एक कंप्लीट रिलैक्सेशन स्टेट में लेकर आऊंगा। मैं आपको हेल्प करूंगा, असिस्ट करूंगा कि आप कंप्लीटली रिलैक्स रहें, सो दैट आपकी जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाए और आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कंट्रोल में आए आपके पूरे बॉडी का। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, ये दो प्रोमिसेस है जो मैं करता हूँ। नंबर वन, ये आपके लाइफ का सबसे रिलैक्सिंग मोमेंट होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप नेक्स्ट 5 मिनट्स में इतना रिलैक्स होने वाले हैं कि किसी भी ड्रग से आपको इतना रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बिलीव मी, जब मैं हिप्नोसिस करता हूँ लोगों के साथ तो एट द एंड ऑफ द सेशंस लोग मेरे पास आके कहते हैं कर सकते हैं। तो कांग्रेचुलेशन, तो आपकी इमेजिनेटिव पावर्स बहुत ज्यादा है और आप सब हिप्नोटाइज हो सकते हैं, राइट? एवरीबॉडी कैन बी हिप्नोटाइज। और हिप्नोसिस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड सेकंड इमेजिनेशन। अगर आप अपने माइंड को रोक लेंगे इमेजिन करने से तो आप नहीं होंगे, अगर आप नहीं रोकेंगे तो आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे। हिप्नोटाइज होने के बाद आप करेंगे क्या, वही जो आपका दिल करता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे 10 रुपये दे दो, अगर आपका दिल करता है मुझे 10 रुपये देने का, आप मुझे दे दोगे। अगर आपका दिल नहीं करता है आपकी आंखें बंद भी होंगे, आप नहीं, आप 100% कंट्रोल में होते हैं। कुछ दोस्त नए आ रहे, कैन बी सिर्फ 10 मिनट के लिए दरवाजा बंद हो सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए। ओके, रिलैक्स होने के लिए रेडी है? यस। ओके, यहां भी लोग रिलैक्स होने के लिए रेडी हैं? यस। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करने वाले हैं रिलैक्स होने के लिए, राइट? आपके बॉडी के एक मसल को आप रिलैक्स करें, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सही तरीके से बैठे, जिन्होंने लेग्स क्रॉस किया है उसको ओपन करें और सीधा लेग पीस करें। एक वॉलंटियर मुझे एक चेयर दे दो, केवल चेयर दो मुझे, स्टेज दे दो, मैं थोड़ा डिमोन्स्ट्रेट करूं। रिलैक्स, ये रिलैक्स होता है। पहले तो आप सीट में फुल पीछे बैठे, फुल पीछे बैक, जो ऐसे बैठे नहीं होगा क्योंकि ये आपके बैक पे स्ट्रेन है। पीछे फुल पीछे होके बैठते हैं, लेग्स ओपन रिलैक्स और आपके जो हाथ है कंप्लीट रिलैक्स उसके ऊपर।
पता है अभी कितने इस अब थोड़ी देर में आप कितना रिलैक्स फील करने वाले हैं, आपकी बॉडी के मसल कैसे होने वाले हैं। आप एक काम करें, लेफ्ट हैंड से आपने राइट ब्रेस को पकड़े, लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस को पकड़े। आप नहीं आई है ना इसलिए आपको पता नहीं हो क्या है, आप सिर्फ फॉलो कर दीजिए। लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस को पकड़े और लूज रिलैक्स, लूज एंड रिलैक्स, बिल्कुल ढीला। और लेफ्ट हैंड को लाएं, नहीं लेफ्ट को हिलाएं, यही तो पॉइंट है, लेफ्ट को हिलाएं। राइट हैंड कैसे हिल रही, हिला कैसे, हिलाए रिलैक्स है, लूज है रिलैक्स है, लूज है रिलैक्स, बिल्कुल ढीला। अब इमेजिन करें, इमेजिन करें इतना ही ढीला आपके पूरे बॉडी की मसल। आजकल की जो सबसे मेन साइकोलॉजिकल इश्यू है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इसीलिए लोग जाके एडिक्टेड हो जाते हैं ड्रग्स के साथ, इसीलिए लोग जाके बैड हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो मैं आज आपको एक गिफ्ट देने लगा हूं, आज के बाद जब आप यहां से जाएंगे, आप जब भी सांस लेंगे आप इतने ही रिलैक्स होंगे, इतना ही ढीले आपका रिलैक्सेशन होगा जितना कि ये। हम रेडी हैं ये सीखने के लिए? हम अपनी इमेजिनेशन पावर यूज करने के तैयार हैं? तो सीधा बैठे आपने चेयर्स पे, लेग्स को सीधा रखे और आपने हाथ करके रिलैक्स कंप्लीटली ढीला। जो पीछे खड़े, पीछे खड़े जो खड़े हैं वो आपने शोल्डर विड्थ लेग्स को ओपन कर, स्पेस ओपन कर। मुझे आपको नजर ना भी आओ कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज आप सुनिए। आपने शोल्डर विड्थ लेग्स को ओपन करें, आप ओपन करेंगे आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होने वाला है। ओपन कर और आपने हाथ साइड पर रखे, डोंट क्रॉस योर आर्म्स, जस्ट हाथ साइड पर रखे। जो हाथ क्रॉस कर रहे हैं और कंप्लीटली ऑप्शनल आप कर सकते हैं, लेकिन पर ये इफेक्ट नहीं करेगा आपके ऊपर रिलैक्सेशन, जो हिप्नोसिस आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। ये जो हिप्नोसिस है थोड़ी देर में हम हिप्नोटिक स्लीप के अंदर जाने वाले हैं। हिप्नोटिक स्लीप एक कंप्लीट रिलैक्सेशन पीरियड है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कोई म्यूजिक प्ले नहीं किया, कोई लाइट्स मैंने डिम नहीं किया, क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपको एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो रिलैक्सेशन आपकी माइंड आपको दे सकते हैं, जो रिसोर्सेज आपके माइंड के अंदर मौजूद है, वो बाहर से आपको नहीं मिल सकती। उसी तरह इंस्पिरेशन और इमेजिनेशन के साथ है, जितना आप अंदर से इमेजिनेटिव और इंस्पायर हो सकते हैं, उतने ही बाहर से कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो आज अभी हम आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके आपके इमेजिनेशन को बाहर लाने वाला है। यस दैट्स राइट, थोड़ा सा फनी है, इट्स एंजॉयिंग बिकॉज इट इज योर बॉडी एंड योर माइंड। अच्छा, आपसे जरा रिक्वेस्ट है कि जरा मेरे सर के ऊपर उस किसी एक पॉइंट को चूज करें एंड फोकस करें उसके ऊपर। मेरे ऊपर जो एक पॉइंट को देखते हैं फोकस करें, मुझे ना देखें ऊपर चर्च पे, चर्च पे कहीं मेरे बैक पे जो बॉल है, द आइडिया इज आपका जो नेक है ना थोड़ा सा ऊपर, आपका नेक थोड़ा सा ऊपर। तो आप देखते रहें एक पॉइंट पे फोकस करें और गहरी सांस से, वेरी इजी गहरी सांस से इनहेल एंड एक्सहेल। उस पॉइंट पे फोकस करें, आप यहां की जमाई रखें कंप्लीटली फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ। आपने सांस लेना है इनहेल एंड एक्सहेल हर सांस के साथ। आप सांसों पे भी फोकस करेंगे, उसकी साउंड पे फोकस करें और आपने आईज जो है किसी पॉइंट जो स्टेज के ऊपर है उस पे फोकस जमाई रखें आपने आईज को, और कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ उसको देखते रहें। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपकी जो आईज है इस वक्त थोड़ी सी ब्लर होने लगी है, इतना आपने फोकस किया उस पॉइंट के, आपकी जो साथ साथ आपकी आईज ब्लर होने लगी है। आप फोकस करेंगे उस पॉइंट पे और गहरी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल और रिलैक्स करें, इनहेल करें और एक्सहेल करें हर सांस के साथ साथ। आप और रिलैक्स और ढीला अपने जिस्म को छोड़ दें कंप्लीटली ढीला और उस पॉइंट पे फोकस करें। आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करके आपकी जो बॉडी का, आपकी जो माइंड का सबसे पावरफुल
फिनोमिना है उसको यूज करते हुए उस पॉइंट को उस दीवार से अलग करके आपने आंखों की तरफ लेकर आए, वो उस दीवार से वो पॉइंट जिसको आप फोकस कर रहे थे कुछ ट्रैवल करते करते आपके आई इसकी तरफ आने लगेगी, जैसे ही आप उसको इमेजिन करेंगे उस पॉइंट को वो आपकी आंखों की तरफ आने लगेगी। साथ साथ आप ब्रीदिंग करें इनहेल और हर इनहेल एंड एक्सहेल के साथ आप वो पॉइंट आपके और भी करीब आता जाएगा और करीब और करीब आपकी फोकस उस पॉइंट पर, और जितना ज़्यादा आप उसको फोकस करेंगे एक जगह एक जब आप इतनी करीब होगी कि आपके आईज ब्लर होंगे, जैसे ही वो आईज ब्लर होंगे आप कंफर्टेबली और रिलैक्स होंगे, आपने टाइम एंड पेस के साथ अब हमें आईज बंद करें उसी पॉइंट को आपने फोर हेड में महसूस करें, इसी पॉइंट का आप फोकस करते रहें और डीप सांस लें और इनहेल एंड एक्सहेल कम्प्लीटली लूज एंड रिलैक्स, आपकी बॉडी के जितने स्ट्रेसेस हैं वो सारे हर एक्सहेल के साथ आप बाहर जा रहे हैं और हर इनहेल के साथ कम्प्लीटली रिलैक्स होकर आपके जिसम के अंदर रिलैक्स और ढीला फील कर रहे हैं आपके हर मसल्स को, उस पॉइंट पर फोकस करें, आपने ब्रीदिंग पे फोकस करें, इनहेल करें एंड एक्सहेल करें, कम्प्लीटली लूज एंड रिलैक्स, आपकी बॉडी के हर हिस्सा जो है कम्प्लीटली ढीला रहेगा, आपकी बॉडी के हर हिस्सा कम्प्लीटली लूज एंड रिलैक्स एंड ढीला और भी ढीला। आप इमेजिन करें उस पॉइंट को और एक दरवाज़ा है, वो डोर वो पॉइंट आपके फोरहेड पे एक दरवाज़ा बन गया, इस डोर जस्ट ओपनिंग ओपन द डोर एंड एंटर इन द हॉलवे, उस हॉलवे के बैक साइड में सीढ़ियां हैं स्टेयर्स हैं, उस स्टेयर्स के ऊपर से आप नीचे जाने की कोशिश करें, नीचे जाते जाएं और सांसों पर फोकस करें, ब्रीदिंग पर फोकस करें, जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे उस स्टेट में और आप गहरी और गहरी रिलैक्सेशन डाल जाएंगे, आपकी बॉडी के हर पार्ट हर हिस्सा हर मसल लूज एंड रिलैक्स हो जाएगा, इसी तरह कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स, इतना इमेजिनेशन पावर आप अपनी यूज करें, स्टेट से नीचे जाते जाएं और गहरी और गहरी और नीचे और रिलैक्स कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स कंप्लीटली लूज और नीचे जाते जाएं स्टेट से और नीचे होता है और गहरी है। अब मैं आपके साथ काउंट करूंगा, मेरे हर काउंट के साथ आप इससे स्टेज से और भी नीचे जाते जाएंगे और नीचे, और जितना जितना आप नीचे जाते जाएंगे आप और ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा ढीला फील करेंगे आपके बॉडी के अंदर, थ्री और नीचे और गहरी, टू और नीचे और गहरी, वन कंप्लीट लूज एंड रिलैक्स, लूज़ एंड रिलैक्स कम्प्लीटली एवरी मसल एवरी फाइबर ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के हर मसल कम्प्लीटली ढीला बिल्कुल ढीला, एक्स डैश एक्स एक्स, इमेजिन करें आपने सर के ऊपर आपका फेवरेट कलर हो, इमेजिन करें आपके सर के ऊपर आपका फेवरेट कलर हो, उसको इमेजिन करें और आप उस फेवरेट कलर को चेस्ट रिलैक्स कम्प्लीटली ढीला और भी ढीला, आपका नेक कम्प्लीटली ढीला और रिलैक्स, चेस्ट स्टमक आपकी लेग्स एंड फीट कम्प्लीट रिलैक्स और भी ढीला कम्प्लीटली लूज एंड रिलैक्स, इसी तरह बिल्कुल आप अपने इमेजिनेशन को यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर है, वेरी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आप अपने इमेजिनेशन को जो यूज़ कर सकते हैं वो कामयाबी की तरफ ज़्यादा जल्दी से जा सके, क्योंकि इमेजिनेशन इज द अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स को गिफ्ट दिया अल्लाह की तरफ, आपके इमेजिनेशन आपके साथ कॉन्शियस के अंदर वो पावर्स है जो आप टैप कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, मैं थ्री से वन तक गिनूंगा, आप
सीढ़ियों से और नीचे जाएं और रिलैक्स होते जाएं, फिर सीढ़ियों से नीचे और गहरी और गीला अपने हर मसल को फ्यू आपने कंप्लीटली और रिलैक्स, आपका नेक कंप्लीटली रिलैक्स, थ्रू कंप्लीटली और रिलैक्स, नेक आपका कंप्लीटली रिलैक्स एंड आपका नेक वन और रिलैक्स, दैट्स शॉट, वेरी वेरी एक्सेलेंट और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं यहाँ कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स। थोड़ी देर में मैं आपसे कहूँगा अब आपने आईज ओपन करें, आप जब अपना आइज ओपन करेंगे आप इसी स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में रहेंगे, और जब नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कहूँगा स्लीप आप वापस इसी तरह गहरी और कंफर्ट रिलैक्सेशन में आ सकते हैं, जब भी आपसे कहूँगा नेक्स्ट स्लीप आप दोबारा इसी स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में आ सकते हैं, क्योंकि ये आपका माइंड है, आपका माइंड की इमेजिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी बात। इफ यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा, जब मैं आपसे कहूँगा स्लीप नेक्स्ट टाइम आप वापस इसी रिलैक्सेशन स्टेट में आ सकते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड, और ऐसे आप अपना सर हिलाने के नहीं, यस एक्सेलेंट शाबाश शाबाश, अब कोई ताली नहीं बजाएगा, जिनकी आंखें बंद है वो आगे जरा ओपन करें, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं आप, उस पर फोकस करें कितना रिलैक्स आप कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स, राइट कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स, वेरी गुड, रिलैक्स और अच्छा, आप जो जो और जो लोग और ज्यादा रिलैक्स हो आके ओपन करें, वन टू थ्री आईज ओपन, वन टू थ्री आईज ओपन, फोकस ऑन माय वॉइस, व्हेन आई से थ्री यू विल वेक अप एंड कंप्लीटली फोकस ऑन माय वॉइस, वन टू थ्री आईज ओपन, ओके आप इसको कंटिन्यू करना आपकी मर्जी, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, रिलैक्स अब कैसे कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, कंप्लीट रिलैक्स फील कर रहे हैं, कैसे आप फील कर रहे हैं इस वक्त, वेरी रिलैक्स राइट। आप इस रिलैक्सेशन को आइडियल 5 मिनट के लिए आप और ज्यादा आगे लेकर जाना चाहिए, जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं वो बैठे, तो व्हेन आई से थ्री यू कैन स्टैंड अप एंड कंटिन्यू यस यस माइक 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 ओके कुछ लोग स्पेशली जो सामने बैठे हुए हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो क्योंकि मेरे करीब हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं और वो अपने इमेजिनेशन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपने इमेजिनेशन को यूज करना, क्योंकि वो रिलैक्स होना चाहते हैं, तो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में मैं आपको एक फिनोमेना दिखाऊंगा आपकी इमेजिनेशन पावर का, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने लगा। वन टू थ्री हेलो जी, वेरी गुड वेरी गुड एक्सलेंट, कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से, कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फोकस ऑन माय वॉइस अगेन, हम फिर से फोकस करेंगे, हम फिर से फोकस करने लगे हैं, आप सही खड़े रहे हैं, आपने लेग शोल्डर विथ एंड हैंड्स कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपके शोल्डर्स एंड चेस्ट एंड लेग्स कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स, आप मेरी बातें सुनते जाएंगे और सुनते सुनते आप कंप्लीटली रिलैक्स एंड लूज और ढीला होते रहेंगे, लेकिन आपका लेग्स आपके नीचे स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, आप बेंड नहीं होगा, आपने खड़े ही रहना है, और
अगेन फोकस करें उस पॉइंट पे जहां पे आप फोकस कर रहे हैं, लुक एट द वॉल बिहाइंड मी, उस पॉइंट पे फोकस करें और गहरी सांसें लें। उस पॉइंट पे मेरे पीछे जो पॉइंट का उस पे फोकस करें और गहरी सांसें लें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। उसी पॉइंट पे फोकस करें अपनी आंखों कंसंट्रेशन के साथ उसको देखते रहें, एंड फिर से उसी पॉइंट को अपने इमेजिनेशन को यूज करते हुए आपने आईज की तरफ आने दें, आपने आईज की तरफ आने दें। आप वो जैसे मैं 1 2 3 कहूंगा वो पॉइंट आपके आंखों के बिल्कुल सामने करीब और करीब आता जाएगा, उस पर फोकस करें कि ब्रीथिंग पे फोकस करें। इनहेल एंड एक्सहेल, वेरी गुड। हर सांस के साथ आप कंप्लीट लूज एंड रिलैक्स, कंप्लीटली ढीला आपके पूरे जो शोल्डर से नेक के कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स ढीला होता जा रहा है। उस पॉइंट पे फोकस करें तो आपके आपके करीब अब आने लगेगा, आ रहा है आपके आपके करीब और भी ज्यादा करीब, और भी ज्यादा 3 और भी ज्यादा करीब, 2 और भी ज्यादा करीब, करीब से करीब आपके आपके बिल्कुल करीब आने लगेगा। एंड 1 वो बिल्कुल आंखों के साथ आपके टच हो गया, आप आगे बंद करें, स्लीप कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स, आपका नेक कंप्लीटली स्लीप, सांस लें 3, आपके नेक कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, 2 आपके legs and hands completely loose and relaxed. थोड़ी देर में जब मैं बंद कहूंगा आपका नेक कंप्लीट रिलैक्स करेगा, आपके शोल्डर कंप्लीट रिलैक्स, आपके पूरे बॉडी के जिसमें वो कंप्लीट लूज एंड रिलैक्स करेंगे। एंड 2 कंप्लीट लूज एंड रिलैक्स, आपके जिसम के पूरे मसल्स कंप्लीट लूज एंड रिलैक्स। एंड 1 स्लीप रिलैक्स कंप्लीटली।